नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पूरा मामला कानपुर के पनकी मंदिर से सामने आ रहा है, जहां चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम दिया गया है। जनता के लिए ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाले एवं महंत कहे जाने वाले महंत जितेंद्र दास के द्वारा दान पात्र से चोरी जैसी घटना को अंजाम दिया गया है, जो कि बहुत ही शर्मनाक साबित हो रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पता चला कि महंत जितेंद्र दास पहले भी विवादों को लेकर प्रचलित थे और कहा जाता है कि अक्सर श्रद्धालुओं से अभद्रता भी करते थे। ऐसे में कानपुर पनकी मंदिर के महंत जितेंद्र दास ने जब दान पात्र से चोरी जैसी घटना को अंजाम दे रहे थे, तभी शर्मनाक वारदात सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई थी और वो आज खूब वायरल हो रही है। उसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जब बड़े भाई ने उनके महंत बाबा कृष्णदास ने पूछताछ करा और विरोध किया, तो गुर्गो संघ उनसे मारपीट पर आमादा हो गए और मिली जानकारी के अनुसार महंत बाबा कृष्णदास को जान से मारने की धमकी भी दे डाली थी। तो जैसा कि आप सभी को ये ज्ञात होगा कि पनकी मंदिर में आस्था से जुड़े एवं अनेकों भक्त जो कि वहां स्थित मंदिर में उपस्थित ईश्वर के प्रति आस्था का भाव एवं प्रेम लेकर वहां प्रतिदिन हाजिरी लगाते आते हैं और संवेदनाएं रखते हैं, लेकिन ऐसी जगह पर महंत कहे जाने वाले महंत जितेंद्र दास के द्वारा जब चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाएगा, तब जनता का अटूट विश्वास एक दिन चकनाचूर हो जाएगा। अब ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या इन जैसे महंत पर कार्रवाई करी जाएगी, कि ऐसे ही ईश्वर की झूठी सेवा में महंत पद पर विराजित होकर जनता की आंखों में धूल झोंकने का कार्य एवं चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे। मैं महंत जनार्दन दास, चेला बाबा भुवनेश्वर दास, स्थान पंचमुखी हनुमान मंदिर पनकी कटरा कानपुर। मेरे ऊपर झूठे ब्लेम लगा करके वो चोरी का इल्जाम लगाया गया था, वो भी प्रशासन ने और सब लोगों ने, आपने देखा था। आज जितेंद्र दास खुद जो है गोलकों से चोरी करते हुए रंगे हाथों सीसीटीवी फुटेज में सामने आ गई। ये सच्चा दरबार है, देखिए बजरंग की महिमा, इसको आप लोग जरा देखिए और करिए इसकी व्यवस्था। इन बाहुबलियों से कैसे मंदिर से छुटकारा मिले, हर एक को जान से मार देंगे और वो कर देंगे। ये इनका चल रहा है। किसी भी प्रकार से शासन और प्रशासन और मीडिया वालों से और हनुमान भक्तों से मेरा अनुरोध है कि किसी भी प्रकार से इस गुरु दरबार की मेरे की जो छींचा लेकर ये चंद लफंगों को लेके की जा रही है, ये बहुत ही गलत है। इस पर किसी प्रकार से बैन लगाया जाए। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं महंत कृष्णदास, श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर का महंत हूँ और बाबा हनुमान जी का सेवक। पनकी मंदिर, पनकी मंदिर जी, क्या पूरा मामला क्या हुआ, आज क्या घटना हुई यहाँ मंदिर में? आज सुबह हमारे छोटे भाई जितेंद्र दास जी मंदिर में पूजा के लिए आए और आरती होने के तत्पश्चात इन्होंने जो सामने सार्वजनिक दान पत्र लगे हुए हैं उससे इन्होंने रुपए चोरी किया, जिसकी सारी फुटेज सीसी कैमरों में आई। इसकी जानकारी संबंधित अधिकारी जिले में कहां का दी गई है? इसकी जानकारी हुई जब मैंने इसमें देखा और मैंने 12 बजे इनसे कहा तो ये हमसे लड़ने पर आमादा हो गए और अंत में अपने चेले चपाटों को, गुर्गों को बुलवा के मुझे जान से मारने की इन्होंने धमकी दी है। प्रार्थना पत्र में संबंधित पुलिस कमिश्नर से वार्ता के दौरान मैंने कप्तान से बात जब हो गई तो इसके बाद मैं सीधे थाने में जाके ये प्रार्थना पत्र दे आया हूँ। कल सवेरे कप्तान से 10 बजे इस संदर्भ में भेज।